यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा कि घर बनाते समय ये फट्टी तो आप अपने पास रखिए, ये आपका जो मिस्त्री राजमिस्त्री होगा उसके पास अवेलेबल है, तो आप दीवार पर रख रख कर देखिए कि आपकी दीवार स्ट्रेट चल रही है या नहीं चल रही है। इस टाइप से उनके बीच बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं है फट्टी और दीवार के बीच में, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में फट्टी रखना बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, इससे एक और इन्फॉर्मेशन निकलती है कि जैसे घर का कोई कॉर्नर बना है, ये आपका कॉर्नर है, ये कॉर्नर 90 डिग्री पे है या नहीं है, तो ये आपको कैसे पता लगेगा, इस पॉइंट का भी आप ध्यान रखें। ये कॉर्नर आपका 90 डिग्री का है दो दीवार के बीच में या नहीं है, जैसे कनेक्टेड जो दूसरी दीवार है वो 90 डिग्री पे है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि आप 4 फुट किसी एक डायरेक्शन में ऐसे मेजर कर लीजिए और 3 फुट आप ऐसे लंबाई में, ठीक है, तो 3 फुट ये हुआ और 4 फुट ये हुआ, इसका जो ट्रायंगल आएगा ये 5 फुट होना चाहिए। तो ये एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम है और ये तभी ट्रू होगा, इससे ये ट्रू हो जाएगा कि जो आपका ये कॉर्नर है वो 90 डिग्री का है या नहीं है। 90 डिग्री से ये होगा कि आपको एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये दीवार और ये जो दीवार है वो बिल्कुल सीधी चल रही है, या उनके बीच में जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं जो प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकते हैं, गुनिया बोलते हैं या रेंच बोलते हैं, थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है दीवार किसी एक साइड में। तो घर बनवाते समय आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 3 और 4 इसलिए रखा है कि पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 3 हो जाएगा और ये 4 होगा, तो ये जो आर्म है ये आपकी 5 फीट्स के आसपास 5 फीट्स आएगी। अगर 5 फीट्स नहीं आती एग्जैक्टली, दैट मीन्स कि भाई दीवार में तिरछापन आ चुका है, और ये आप अगर फाउंडेशन से ही माइंड में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, और बीच बीच में इस चीज़ को करते रहिए, एक फट्टी और दूसरा ये जो फट्टी लगाना बोलते हैं वो मैं बोल चुका हूँ कि भाई ऐसे दीवार पर आप ये स्ट्रेट फट्टी रखिए, बीच में फट्टी के और दीवार के बीच में अगर कोई स्पेस मिलता है इसका मतलब ये हुआ कि दीवार टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, तो बीच बीच में आप ये फट्टी लगा कर देख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट मैं बोल ही चुका हूँ कि कॉर्नर पर स्पेशली आप अपने मिस्त्री या जो भी अपने आप से है वो ध्यान रखिए कि भाई ये बिल्कुल 90 डिग्री पे है, और ये रूम के अकॉर्डिंग है, और बाहर जब आप देखते हैं कि पूरी प्रॉपर डायमेंशन जो है वो उसमें कोई रेंच या कोई गुनिया तो टाइप का तो नहीं है, तो हर कॉर्नर पर आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए। तो ये पॉइंट हुआ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।